हाय एवरीवन, दिस इज मी भावना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पत्रो कला। आज की मेरी ये वीडियो मैं एक बैनर मेकिंग के ऊपर बनाने वाली हूँ। मेरे इस बैनर का जो थीम है या टॉपिक है वो अर्थ डे स्पेशल सेव ट्री और सेव जंगल का है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर कर देती हूँ। ये मेरा वो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ट्री मैंने बनाया हुआ है, दूसरा ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोंट मेक ट्रीज रेयर कीप देम विद केयर। मैंने एक यहाँ पे कोटेशन भी लिखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चार्ट पेपर से 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को कट करेंगे। आप चाहें तो A3 साइज शीट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 43 बाय 13 सेंटीमीटर की कटिंग करूंगी ताकि मैं अपने बैनर को बॉर्डर दे सकूं। आप चाहें तो बॉर्डर दिए बिना ही अपने बैनर को बना सकते हैं। यहाँ पर मेरी मेजरमेंट्स हो चुकी हैं, अब मैं बैनर की कटिंग करूंगी। बैनर की स्ट्रिप को मैंने रोल चार्ट पेपर से कट किया था, इसलिए ये काफी ज्यादा बेंड हो रहा है। इसीलिए मैं स्कॉच टेप का यूज करते हुए बैनर को अपनी कटिंग शीट के ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर वर्क करना शुरू करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेजरमेंट लेके आउटलाइन या बॉर्डर बना रही हूँ। मेरी शीट की मेजरमेंट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के मार्कर का यूज करके इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। अब मैं बैनर पे पेस्ट करने के लिए दो ट्रीज की ड्रॉइंग करके उन्हें पेंट करूंगी। जब तक मैं ट्रीज की पेंटिंग कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल से मिले हुए स्कूल प्रोजेक्ट्स या DIY असाइनमेंट किसी भी चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, मुझे जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किए हुए कमेंट के ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाऊं, तो आप फटाफट से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि आपके स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमेंट मुझे करें ताकि मुझे आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट रिसीव हो और मैं आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं। मेरी ट्रीज की पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने वाटर कलर पेंट्स का यूज किया था अपने ट्रीज को पेंट करने के लिए। ट्रीज की पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया था, अब मैं इनकी कटिंग करूंगी। हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब भी अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और उसे जब एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, उन दोनों ही टाइम में जो हमने प्रोजेक्ट अपना इमेजिन किया होता है वो काफी ज्यादा अलग दिखता है। तो इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग के टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफी सारे चेंजेस भी करते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रोजेक्ट में मैं आपको इसी तरीके की कुछ चीजें शो करने वाली हूँ जैसा मैंने अपना प्रोजेक्ट प्लान किया था या डिजाइन करा था। उस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चेंज किया है वो मेरा बेस है। बेस में पहले मैंने यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर का फ्लैट पेंट अप्लाई किया था, जो की एक सीनरी जैसा बैकग्राउंड पेंट मैंने करने की कोशिश की थी। मैंने ब्लू कलर से स्काई और ग्रीन कलर से लैंड दिखाने की कोशिश की थी, बट ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो इसको मैंने चेंज किया था। बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ऊपर था, बट उसमें जो मेरा टॉपिक था वो सेव ट्रीज या फिर सेव फॉरेस्ट का था। तो इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं वर्ल्ड और ट्री दोनों को एक साथ शो करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रिंट आउट शीट मैंने यहाँ पे ली है, बट ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी इसलिए मैंने इसे चेंज किया था। तो ये मेरा सेकंड चेंज था और इन दोनों चेंजेस को मिलाकर ही मैंने एक ही चेंज किया था। अब देख सकते हैं इस प्रिंट आउट की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब मैं इन सभी को अपने बैनर के ऊपर प्लेस करके देख रही हूँ, बट मुझे इन तीनों ट्रीज की प्लेसिंग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर समझ नहीं आई, इसलिए मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर अर्थ की प्रिंट देने की कोशिश की है। इसके लिए मैंने परमानेंट पेन मार्कर यूज करके बैनर के ऊपर अर्थ का प्रिंट देने की कोशिश की है। इसके बाद ब्लू और ग्रीन कलर के वाटर कलर पेंट का यूज करके मैंने अपने बैकग्राउंड को पेंट किया है। पेंट करने से आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड का लुक जो है अर्थ जैसा फील हो रहा है। इसके बाद मैंने अपने जो ट्रीज की कटिंग की थी उन्हें भी मैं एक थिक शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। इसकी पेस्टिंग के बाद अब मैं व्हाइट कलर के आउटलाइन के साथ इन दोनों ट्रीज की कटिंग भी कर लूंगी। मैंने ट्रीज को व्हाइट बैकग्राउंड के साथ इसीलिए पेस्ट किया है क्योंकि जो मेरे ट्रीज थे वो मेरे बैकग्राउंड के साथ काफी ज्यादा मर्ज हो रहे थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्हें देखने में लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस टेक्निक का यूज किया है। यहाँ पर अब मेरे दोनों ट्रीज की कटिंग हो चुकी है, अब मैं इन दोनों ट्रीज को अपने बैनर के ऊपर पेस्ट करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल साइड टेप का यूज किया है।
मैंने यहाँ पे थिक वाली डबल साइड टेप का यूज किया है ताकि जब मैं इन ट्रीज को अपने बैनर के ऊपर पेस्ट करूँ तो इनका जो लुक है वो 3D जैसा क्रिएट हो जाए। इन दोनों ही ट्रीज के ऊपर डबल साइड टेप लगा के मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखने के लिए व्हाइट कलर की स्ट्रिप को कट किया है। इसके ऊपर स्केल का यूज करके मैंने लाइन बनाई है और पेंसिल की हेल्प से अपनी हेडिंग को लिखा है। पेंसिल से हेडिंग के लिखे जाने के बाद यहाँ पे मैंने परमानेंट पेन मार्कर यूज करके अपनी हेडिंग को यहाँ पे फाइनली लिखा है। अब मैं अपने हेडिंग के अंदर वाटर कलर के ग्रीन और ब्लू शेड को यूज करके इनके अंदर कलर फिल कर रही हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली हेडिंग की सिंगल वर्ड्स में कटिंग करूंगी। हेडिंग की सभी लेटर्स की कटिंग कम्प्लीट होने के बाद अब मैं इनके ऊपर डबल साइड टेप पेस्ट करके इनको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पे एक और मोटी स्ट्रिप को कट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले स्लोगन को लिख रही हूँ। स्लोगन को पहले मैंने पेंसिल की हेल्प से लिखा है। अब मैं हेडिंग को फाइनल करूंगी परमानेंट पेन मार्कर यूज करके। हेडिंग को ब्लैक परमानेंट पेन मार्कर से लिखे जाने के बाद अब मैं इसे ब्लू कलर और ग्रीन कलर के स्केच मार्कर से अपने स्लोगन को फाइनल करूंगी। स्लोगन को कलर से लिखे जाने के बाद अब मैं स्लोगन की भी कटिंग करूंगी। स्लोगन की कटिंग कम्प्लीट होने के बाद अब मैं डबल साइड टेप यूज करके इसकी पेस्टिंग करूंगी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट रिसीव होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।